नमस्कार, मैं देखिए यहाँ पर आपके सामने, आप सभी लोगों के सामने ये कचहरी इलाहाबाद है और कचहरी इलाहाबाद में ये आनंद हॉस्पिटल है आपका। ये आनंद हॉस्पिटल है, यहाँ पर लुटेरों का भंडार है। मेरी खुद की बहन जो यहाँ पर आई थी और कुछ नहीं हुआ था, जो अपने पैरों से चढ़ के आई थी, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिल करके, पूरे हॉस्पिटल वालों ने मिल करके उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आप सबका समर्थन चाहता हूँ कि आज तक मैंने आपके लिए बहुत किया होगा, लेकिन आज आपका समर्थन मुझे चाहिए। आप लोग ठीक है तो सारे लोग देख लीजिए, ये आनंद हॉस्पिटल है। आनंद हॉस्पिटल में हम अभी एडमिट हैं, यहाँ पर आए हुए, और कुछ नहीं हुआ था। आप सोचिए, एक नॉर्मल सी कंडीशन में एक पेशेंट चल के आता है, जिसकी बीपी भी कुछ भी नहीं था, उसे कुछ भी नहीं था, डॉक्टरों की लापरवाही से, डॉक्टरों की गलती से ये सब कुछ हुआ। ये यहाँ आनंद हॉस्पिटल, और सोचिए एक एक घंटे में 8-8, 10-10 ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको इतना नहीं पता कि जीवन से खिलवाड़ करना कितनी बड़ी बात होती है। ये देख लीजिए, ये आपका हॉस्पिटल है, आनंद हॉस्पिटल है। ये आनंद हॉस्पिटल आपका कचहरी में है, इलाहाबाद में। आप सोचिए कि यहाँ पर दोस्तों गरिमा दुबे डॉक्टर हैं। गरिमा दुबे जो डॉक्टर हैं, उन्हों की सरदार है, ठीक है। दोस्तों जल्दी आप सब बताइए इसमें क्या किया जाए। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, इनके यहाँ हम कंप्लेन करने आए तो एक दिन पहले यहाँ पर कोई भी बॉडीगार्ड या कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन आज जब देखने आए हैं यहाँ पर तो इन लोगों ने क्या किया है, सिक्योरिटी बुला रखी है, ढेर सारी सिक्योरिटी बुला रखी है कि डॉक्टर से मिलने तक नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर से मिलने तक नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो देखिए ये आपका कचहरी हॉस्पिटल है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सब लोग देखें और सब लोग शेयर करें। मेरी अपनी खुद की सिस्टर यहाँ आई थी, 2 दिन नॉर्मल कंडीशन में एडमिट थी, कुछ भी नहीं हुआ था। फोड़े फुंसी का इलाज करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक घंटे में डॉक्टर ने 10-10 ऑपरेशन करने के चक्कर में पेशेंट को मार डाला। आप सोचिए 24 घंटे से आईसीयू में पेशेंट था, कोई भी डॉक्टर देर नहीं आया। मैं खुद जब इतना पीड़ित हो सकता हूँ, आम लोग इतने पीड़ित हो सकते हैं, तो सोचिए ये कैसे अपने धंधे को चलाते होंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी सारे लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, सारे लोग बताइए कि क्या इनके साथ ये करना, क्या किया जाए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, सब लोग हैं, लेकिन क्या इनका लूटने का, ये डॉक्टरों का जो लूटने का धंधा है, इसी तरह चलता रहेगा? आप सब बताइए मुझे कि इन डॉक्टरों का क्या किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो लोग केवल और केवल इस बात का ना तो कुछ लिखित रूप में दे रहे हैं, कुछ भी लिख कर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर किसी तरीके से कोई बात, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देखिए डॉक्टरों के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्टरों के साथ अंदर मिलने तक नहीं दे रहे हैं ये लोग। सोचिए ये मिलने तक नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे से किसी डॉक्टर ने उनको देखा नहीं है। सोचिए आज 3 दिन जो पेशेंट खुद अपने से चल के आए, जो पेशेंट अपने, और अंदर देखिए कम से कम यहाँ पर 10 बाउंसरों को बुला लिया है, इसीलिए कि हम लोगों को अंदर डॉक्टरों से ना मिलने दिया जाए। दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बुरा बुरा हाल है, दोस्तों जहां कहीं भी इस तरह की कंडीशन होती है, आप देखेंगे केवल और केवल डॉक्टरों ने लूटने का धंधा बना रहे हैं। अभी बॉडी निकलवा रहे हैं, नहीं बॉडी नहीं निकलवाएंगे,
कौन बॉडी निकलवाएंगे? बिना बिना एफआईआर के हम बॉडी नहीं निकलवाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये लोग जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं कि बॉडी को यहाँ से निकाल दिया जाए। बॉडी को अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं हो जाएगा। सोचिए, मेरी अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा हो सकता है। ये लोग बॉडी निकालने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। कचहरी में आनंद हॉस्पिटल है और यहीं पर यह प्रक्रिया है। आप सबसे मैं समर्थन चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को शेयर करिए। ये आनंद हॉस्पिटल है और यहाँ के जो डॉक्टर है, ठीक है, और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि ये बॉडी तब तक ना निकले जब तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस वाले भी बहुत जल्दी में हैं कि बॉडी को यहाँ से निकलवा दिया जाए। रुक जाइए। ये देखिए, यहाँ पर सारे पुलिस वाले भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग हैं यहाँ, ठीक है। आनंद हॉस्पिटल, ये कचहरी इलाहाबाद में है। डॉक्टरों का गोरख धंधा इससे तेजी से चल रहा है कि यहाँ किसी भी पेशेंट को ये कुछ समझते ही नहीं है, किसी भी पेशेंट को कुछ मानते ही नहीं है, ठीक है। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, ठीक है। प्रशासन जल्दबाजी में जो बॉर्डर निकाल मामला खत्म कर दिया। हाँ, वही दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग चाहते हैं जब तक डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए तब तक बॉडी यहाँ से ना जाए। इन डॉक्टरों ने किया क्या है, एक ऐसे पेशेंट को मार डाला है जो मेरी खुद की सिस्टर है, जो अपने पैरों पर चढ़ के आई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ फोड़े फुंसी के इलाज में इन्होंने 3 दिन तक उसको अपने यहाँ एडमिट रखा। एडमिट रखने के बाद आज उसकी डेथ हो गई, तो ये लोग बता रहे हैं, जबकि उसके कुछ नहीं हुआ था। आप सोचिए, एक नॉर्मल पेशेंट जो होता है उस नॉर्मल पेशेंट को 5 यूनिट 6 यूनिट ब्लड की जरूरत नहीं होती, 5 यूनिट 6 यूनिट ब्लड की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 5 यूनिट 6 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया उसे। कुछ भी नहीं हुआ था उसे, वो अपने से चल के आई थी, नॉर्मल फोड़े फुंसी का इलाज हो रहा था। तो आप सबसे मैं चाहूँगा इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए जल्दी से जल्दी, जिससे यहाँ पर जब तक ये हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, क्योंकि इसकी जो डॉक्टर है, गरिमा द्विवेदी, डॉक्टर गरिमा द्विवेदी दुबे, उन्होंने इनका इलाज किया और कुछ भी नहीं, उन्होंने 1 घंटे में 10-10 ऑपरेशन करने के चक्कर में, ये देखिए, पुलिस वालों को और हॉस्पिटल को बड़ी जल्दी है एम्बुलेंस बुलाने की, देख लीजिए, इतनी जल्दी है, हमने एम्बुलेंस नहीं बुलाया, पुलिस वालों ने और डॉक्टर ने बुलाया। ये देखिए, ये भैया कौन बुलाया आपको? तो अस्पताल वाले, कौन से अस्पताल वाले बुलाए बताइए? आनंद हॉस्पिटल वाले क्यों बुलाए हैं? ले जाना है। किस चीज को ले जाना है? देखिए, डेड बॉडी ले जाना है, मैंने इनको नहीं बुलाया है, आनंद हॉस्पिटल वालों ने बुलाया है, ठीक है, आपको बताया, उन्होंने ही बुलाया है ना, ठीक, बड़ी जल्दी है ना ले जाने की बॉडी, ठीक है। देखिए दोस्तों, बड़ी जल्दी है इनको बॉडी ले जाने की, ठीक है। ये अभी पेशेंट होते, अभी उसकी मौत ना हुई होती तो ये उससे खून चूस रहे होते, उसका पैसा बना रहे होते। अब उसकी डेथ हो गई है तो उससे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं फिर बार बार बता दूं, ये आनंद, कोई भी यहाँ आना मत, ये लुटेरे हैं पूरे के पूरे। आप सब इस वीडियो को शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए। प्रयागराज में ये कचहरी है, कचहरी में ये आनंद हॉस्पिटल है। सोचिए, जब एक फोड़े फुंसी का इलाज में ये 5 यूनिट ब्लड चढ़ा सकते हैं, फोड़े फुंसी के इलाज में 5 यूनिट ब्लड चढ़ा सकते हैं, 4-4 दिन तक आईसीयू में पेशेंट को रख सकते हैं, 1 घंटे में 10-10 ऑपरेशन कर सकते हैं, लिखित कुछ नहीं दे सकते, पेशेंट को 24 घंटे से देख नहीं सकते, तो ये किस बात के डॉक्टर हैं? केवल पैसे बनाने के लिए? ये इनको डॉक्टरी की पढ़ाई केवल पैसे बनाने के लिए हो गई है? तो आप सबसे मैं समर्थन चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए जल्दी से जल्दी, सारे लोग शेयर करिए। सोचिए, मेरी बहन कुछ भी नहीं था और इन डॉक्टरों की लापरवाही से ये सारी चीजें हुआ। और मैं फिर आपको बता दूं, ये लोग अभी उसकी डेथ ना हुई होती, अभी उसकी बॉडी ना जा रही होती, अगर वो पेशेंट होता तो ये इतनी जल्दी में ना होते। डिस्चार्ज कराने जाते हैं तो आपको 2-3 घंटे लगते हैं, कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं डिस्चार्ज कराने में। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, एम्बुलेंस बुला लिए हैं और मैंने जैसे ही आपको बताया, एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वाले भी सब लोग खड़े हुए हैं, बड़ी जल्दी है एम्बुलेंस से ले जाने की बॉडी।
ठीक है, क्यों? अब मैंने नहीं बुलाया, हॉस्पिटल वालों ने बुलाया हुआ है।